जब तक सांस है तब तक इंजन स्टार्ट है। हेलो बाइकर्स, कैसे हैं आप लोग? होप आप लोग का बाइक सही चल रहा है। ऐसा तो हमारा बाइक भी अभी सही चल रहा है, मतलब अभी राइड का मजा आ रहा है। और इस वीडियो में आप लोगों को हम जो दिखाने जा रहे हैं वो है अनसीन थाईलैंड। ऐसा तो बैंकॉक पता है आप लोग भी घुमा होगा, पर ये जो थाईलैंड है ये आप लोगों ने किसी भी वीडियो में नहीं दिखा होगा। इस पर हम लोग जा रहे हैं नॉर्दर्न थाईलैंड की तरफ, मतलब लाओस बॉर्डर। आप लोग वीडियो एंजॉय कीजिए और देखिए अनसीन थाईलैंड। दोस्तों, अभी हम लोग पहुंचने वाले हैं सिरकिट डैम। ये जो डैम है ये थाईलैंड के लार्जेस्ट डैम है, और बोलते हैं कि यहाँ का जो मतलब व्यू है ये भी बहुत सुंदर है। ऐसा मतलब ये एक बहुत बड़ा टूरिस्ट स्पॉट भी है। ये जो है ये थोड़ा सा ऑफबीट हो जाते हैं, फिर भी यहाँ पे हर फैसिलिटी मिल जाते हैं। ऐसे तो आप लोगों को पता ही है कि थाईलैंड का रास्ता इतना अच्छा है, मतलब बाकी जो फैसिलिटी है जैसे मान लीजिए पेट्रोल पम्प, खाने पीने के लिए रेस्टोरेंट या बाइक का असिस्टेंट कुछ भी सही है तो मतलब हर जगह अवेलेबल है। और ये बहुत सेफ भी है, और ऐसे पेट्रोलिंग वगैरह मतलब पुलिस का जो पेट्रोलिंग जैसे वाहन वगैरह वो भी चलते रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे लोग भी बहुत अच्छा है। और ये जो है ये मतलब सुकुटाई से करीब 150 किलोमीटर दूरी में है। अगर आप लोग कभी आना चाहते हो तो बस वगैरह का सर्विस भी सब कुछ मिल जाते हैं, मतलब ये और ये बस हम लोग पहुँचने वाले हैं। अभी आप लोगों को हम डैम का व्यूज दिखाते हैं, आइए देखते हैं। हम वो डैम के व्यू ज़्यादा नहीं दिखा पाए, इसलिए क्योंकि वो ना ऊपर ज़्यादा टाइम रुकने नहीं, लोकल तो रुके हुए थे लेकिन हम लोग रुक नहीं पाए, सॉरी यार। सो ये बहुत ज़्यादा बम्पी है यार, जैसा स्मूथ दिख रहा है ऐसा है नहीं। चलो यार, दोस्तों जैसे कि हम लोगों ने पहले भी बताया था आप लोगों को, हम लोग जा रहे हैं लाओस बॉर्डर की तरफ। तो अभी क्या है, हम लोग नान बोर जो रिवर है उसको क्रॉस करेंगे बाय बोट। तो जैसे ही रिवर क्रॉस करेंगे तो आएगा पाकिनाई फिशरमैन प्लेस। ये बहुत ही फेमस है थाईलैंड में, रिमोट एरिया है, मतलब यहाँ पे जो ऑफबीट लोकेशन है उनमें से एक है। तो थाईलैंड में से हमारा जो दोस्त है उन लोगों ने ये रूट के लिए बताया था, लेकिन दोस्तों कुछ भी बोलो बड़े मज़ेदार है ये एरिया। तो ऐसा लग रहा है कि हम लोग उत्तराखंड के वो वादियों में घूम रहे हैं। थोड़ा सा हाँ ट्रैफिक कम है, रास्ता देख ही रहे हैं, रास्ता तो बढ़िया है। बाकी क्या, गाना सुन सुन के हम लोग आ रहे हैं बढ़िया से। लेकिन एक बात तो है दोस्तों, अगर ऐसी राइड में आपके पास ब्लूटूथ कम्युनिकेशन डिवाइस जैसे मतलब सेना है, हम लोग पहले मिडलैन यूज़ करते थे, उससे पहले वो LS2 वाला आता था, भेगा वाला ऐसे यूज़ करते थे, अभी जैसे हम लोग सेना यूज़ करते हैं, अगर सेना ना हो ना दोनों पक जाएंगे यार ये। लेकिन एक ही दिक्कत है कि ये दोनों का वॉइस रिकॉर्ड करने में थोड़ा सा दिक्कत करता है। ये लोग आप थोड़ा नज़ारा देखिए। बाकी ऐसा है कि इस साइड में पेट्रोल पम्प का ऐसा कोई दिक्कत है नहीं, और खाना पीना भी बहुत ही चिप है, मतलब कॉफ़ी आप ये लगा लो अभी भी थाईलैंड के अंदर 20 रुपये में बढ़िया कॉफ़ी मिल जाता है, तो और क्या चाहिए आपको। थोड़ा सा हिली है तो थोड़ा अप एंड डाउन तो रहेगा ही, लेकिन हाँ जूटी बढ़िया चल रही है तो मज़ा आ रहा है। हाँ, और मतलब छोटे मोटे रिवर भी बहुत सारा है, चलते रहते हैं देखते हैं। हाँ हाँ बाबा, हाँ हाँ, अरे ये बोट रुका हुआ है ना, ये थोड़ा सा अगर लेट हो जाएगा तो हमें मतलब जगह नहीं मिलेगा, ये अभी चला भी जाएगा। वो रुको, गाड़ी पूरा लाइन पे लगा हुआ है।
आराम से जाओ, आराम से जाओ, आराम से। दोस्तों जो भी हो वो रिवर क्रॉसिंग में बड़े मज़ा आया हम लोगों को। पाकिनाए फिशरमैन प्लेस में थोड़ा टाइम रुके, वहाँ पे मछली उछली खाया। एक्चुअली वो लोग हाथों हाथ मतलब पकड़ के आपको फ्राई करके देते हैं। मछली का रेट भी मतलब वेट से नहीं होता, जो आप चूज़ करोगे उसके हिसाब से। अगर आप लोगों में से कोई भी नॉर्थ ईस्ट आए हैं और या माजुली के हैं, माजुली क्या है वो वर्ल्ड का मतलब लार्जेस्ट रिवर आइलैंड है, तो वहाँ पे आप लोगों को ये सेम टाइप का एक्सपीरियंस मिलेगा। तो हम लोग तो आसाम से हैं या नॉर्थ ईस्ट से हैं, तो हम लोग तो आए हैं, लेकिन आप कभी भी नॉर्थ ईस्ट आओ तो माजुली मिस मत करना। लेकिन दोस्तों मैं फिर से वही मतलब बात मैं कहने से रुक नहीं पा रहा हूँ, रोड देखो यार मज़ेदार है। बाकी ये है कि आप लोग अगर कभी भी आते हो थाईलैंड, चाहे अपने बाइक से या अगर यहाँ पे ऐसे भी घूमने आते हो, तो आप लोग बाइक रेंट करके भी ये घूमने आ सकते हो। रहने पीने मतलब खाने का पूरा बढ़िया इंतज़ाम है, मज़ा आएगा आप लोगों को। तो जा रहे हैं लाओस बॉर्डर की तरफ, पता नहीं एंट्री मिलेगा नहीं मिलेगा। थाईलैंड का बस एक ही कॉम्प्लेन है हमारी तरफ से कि भाई साहब जो वीज़ा है ना, वीज़ा कम से कम एक महीने का होना चाहिए था, 15 दिन बहुत कम पड़ता है। ये जो रूट है ये रूट मुझे याद दिलाता है उत्तराखंड का जो बेरीनाग से पिथौरागढ़ वाला रोड है वो वाला। अच्छा मैंने देखो आगे वो कोई रुका हुआ है, ये वो हमें वहाँ पे मिला था ना, हाँ वही वाला बंदा है। चलो उसको हाथ उठा दो, अच्छा लगेगा उसको भी। हाँ दोस्तों अभी हम लोग हाईवे में आ गए हैं, तो ये रोड जाए डायरेक्ट मतलब जाता है लाओस बॉर्डर की तरफ। तो देखते हैं ये बॉर्डर भी आसानी से पार हो जाना चाहिए, पता नहीं। बाकी आप लोगों को शायद पता ही है सब लोगों को, $2 स्कैम जो कहते हैं सब पासपोर्ट, ये $2 स्कैम वो है जो आपके पासपोर्ट स्टाम्प करने के लिए $2 देने पड़ते हैं। ये नॉर्मली मतलब लाओस साइड में ज़्यादा है, लाओस वियतनाम कंबोडिया इस साइड में ज़्यादा है, थाईलैंड में तो है नहीं। थाईलैंड में बहुत बढ़िया ही है ना। बाकी है ऐसा है कि ये जो हमारा हमने बोला कि $2 स्कैम, इसके बारे में भी हम आप लोगों को आगे बताएंगे। अभी थोड़ा भूख वूख लग रहा है तो आगे कुछ खा लेंगे, थोड़ा कॉफ़ी वॉफी पी लेंगे। मैंने यहाँ पर फ़ोटो खींचा जाए क्या यार, बढ़िया होएगा वो हमारा बुक के लिए, ये बहुत बढ़िया रहेगा सर। ऐसे आप लोगों को बता दो, हम लोग एक बुक पब्लिश करने के लिए भी सोच रहे हैं, बहुत दिनों से इस पे लगे हुए हैं। तो ये राइड और बहुत सारा मतलब स्टोरीज लगा के हम लोग एक बुक भी पब्लिश करने वाले हैं। मैंने एक काम करते हैं यार, यहाँ रुकते हैं सेंटर में, बाइक रुक के बढ़िया से फ़ोटो खींचते हैं। रास्ता तो पूरा खाली है और बढ़िया है यार, मज़ेदार बना रखा है इन्होंने।
ये थाईलैंड का शायद लोकल लोगों का ही कुछ ये होगा, मतलब हमारा वहाँ जैसा कल्चरल प्रोसेशन है ऐसा ही। मैंने वो देखो देखो कितना सुंदर है यार, देखो हमारा वहाँ का जैसा ही, उधर के लोग भी सुंदर है यार। रुके क्या, चलो आगे रुकते हैं फोटो खींचने हैं, रुको मैं आगे जगह देखता हूँ रुकने का। दोस्तों हुआ ये कि हमें लाओस में एंट्री नहीं मिला, क्योंकि जो रिसेंट थोड़ा सा वीज़ा रूल में चेंजेस आ गए हैं कि मतलब लाओस में वीज़ा ऑन अराइवल जो था वो अभी भी है, लेकिन हर बॉर्डर पे नहीं है, इन्होंने बॉर्डर सिलेक्ट कर रखा है। तो अभी इसलिए हम जा रहे हैं दूसरे बॉर्डर पे, तो हम बॉर्डर पे जाके आप लोगों को अपडेट देंगे। अंधेरा भी हो गया है, आगे होटल देखते हैं, होटल देख के शायद हम लोग रुक जाएंगे, तो बाकी आगे का देखते हैं। बाकी दोस्तों वीडियो में बने रहना, लाइक भी कर देना और हो सके तो शेयर वेयर कर देना यार, सब्सक्राइब कर देना, है ना। अगली वीडियो में मिलते हैं।